आप देख रहे हैं जसिंदी, मैं हूं गौतम ठाकुर। आवाम की आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। जनाब, मेरे पीछे ये जो नौजवान आप देख रहे हैं, ये वो नौजवान हैं जो आपको समझाने के लिए निकलने वाले हैं। जी हाँ, आज एनवायरमेंट डे के मौके पर ये तमाम नौजवान एक नुक्कड़ नाटक करने वाले हैं, आप लोगों के बीच उतरने वाले हैं और आपको ये समझाने वाले हैं कि आज जिस माहौल में, जिस एनवायरमेंट में आप सांस ले रहे हो, आज उस एनवायरमेंट को भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसकी वजह सिर्फ आप है। आपके चाहे कुछ भी कारण हो, चाहे आप उसको जानते हो या अनजाने में आपसे हुई हो, लेकिन वो गलतियां बहुत भारी पड़ रही हैं आपके लिए भी और आपके आने वाले इन भविष्य के लिए भी, आपके आने वाली पुश्तों के लिए भी। तो ज़रा सोचिए कि आप क्या कमा रहे हैं और क्या गंवा रहे हैं। मुझे लगता है कि गंवा ज़्यादा रहे हैं। पैसे, आपकी प्रॉपर्टीज़ तो जनाब कभी भी आपके आने वाली पुश्तें भी बना लेंगे, लेकिन ये एनवायरमेंट एक बार चला गया तो शायद इसे बनाने में लाखों करोड़ों साल इस धरती को लगे थे और आप तो शायद भूल ही जाइए कि आप कभी इसको उस प्योरिटी, वो प्योरिटी आप दे पाएंगे। ये नौजवानों से हम बात करते हैं, जानते हैं कि इनका प्ले कितना खास होने वाला है और इस प्ले में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व करने वाली हैं। आपका नाम? जान भावी कपूर। वी आर ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़। तो हमारे प्ले का नाम है वोट फॉर वातावरण और हमारा प्ले एक सटायर है, सटायर ऑन द करंट एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द मैनकाइंड, कि कैसे हम रोज़ मीम्स स्क्रोल करते हैं, मीम्स शेयर भी करते हैं अबाउट द इंक्रीजिंग एनवायरमेंट कंसर्न्स। हम सबको अवेयरनेस है क्योंकि हम पढ़ लिख के यहाँ तक पहुँचे हैं एंड फिर भी हम कोई एक्शन नहीं लेते। सो दैट इज़ वाई वी हैव डन दिस स्ट्रीट प्ले, ताकि एटलीस्ट जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो उस कंसर्न को समझ सकें एंड रादर देन बींग अवेयर दे एक्चुअली स्टार्ट एक्टिंग अपॉन दैट कंसर्न। तो आपने कुछ शुरुआत की है, कुछ समझने की, कुछ अपने तरफ से इनिशिएटिव लेने की? अब हम लोग जब डिपार्टमेंट में प्ले कर रहे हैं, सारा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इससे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ऊपर से इंडिविजुअली भी हम लोग सबको देख रहे हैं, नए पॉइंट्स आ रहे हैं, हम सबके दिमाग में नई चीज़ें आ रही है जो हम लोग कर सकते हैं, जैसे हम लोग सोसाइटी को अवेयर कर सकते हैं। जैसे बहुत चीज़ें होती है, अब आप एक नॉर्मल चीज़ देखेंगे कि सबके घर में आज के दिन में गाड़ियाँ होती हैं, लोग उन गाड़ियों को पाइप से धोते हैं, ज़्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं। हम सबके घर में शार्स लगे हैं, हम लोग सारे शार लेके नहाते हैं, उसमें वाटर की वेस्टेज होती है। तो ये सारा कुछ हम लोगों ने कम करना चाहिए जिससे हम सबके इन्वायरमेंट के लिए बेटर हो। तो आपने इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो अपने लिए आजमानी शुरू की हैं? शावर, पाइप से गाड़ियाँ धोना, शार फॉर श्योर जब से प्ले शुरू हुआ है बंद कर दिया। पर्सनली मैं अब अपनी कार्स जो वॉश होती हैं, जो बंदा करता है, ही डज इट विद द बकेट नाउ, नॉट विद द पाइप। एंड जैसे ब्रश करते हुए पानी चल रहा होता है, सो आई डोंट डू दैट एनी मोर। एंड जैसे लास्ट होली पे आई डिड नॉट यूज वाटर, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग वाटर वाली होली, बट द लास्ट शायद ये सबसे ज़्यादा बड़ा वाला बलिदान दिया है जिन इनको बहुत पसंद है पानी से होली खेलना, पर पानी का इस्तेमाल नहीं किया इस बार। सो व्हाट आई एक्सपेक्ट इज कि मतलब सिंस व्हेन आई एम ट्रैवलिंग आई सी अ लॉट ऑफ स्ट्रीम्स एंड अदर यू नो जो छोटी छोटी वाटर बॉडीज होती हैं, वेरी पोल्यूटेड नाउडेज, एंड वहाँ पे प्लास्टिक्स एंड जो केमिकल से फोम बन जाती है, जो इंडस्ट्रीज वहाँ पे अपने डिस्चार्ज कर रही हैं एवरीथिंग, सो वो मेरे को बड़ी चीज़ें बॉदर करती हैं कि यू नो वी आर नॉट रियली केयरिंग अबाउट द एनवायरनमेंट एंड हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लाइक आई सी ऑल दीज फॉरेस्ट बर्निंग, जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट बर्न हुआ था एंड अदर थिंग्स, तो वो बहुत मतलब मैं पर्सनली मैं थोड़ा नेचर लवर भी हूँ, सो मेरे को बॉदर करती हैं चीज़ें एंड आई सी ऑल दीज थिंग्स दैट पीपल आर गेटिंग मोर अवेयर नाउ, दे प्लांटिंग मोर ट्रीज इन एवरीथिंग, सो दैट इज़ रियली गुड। सो थ्रू द स्ट्रीट प्ले वी आर लुकिंग टू इनलाइटन सम पीपल एंड इट्स गोइंग टू बी ऑन द सुखना लेक, एट द सुखना लेक, एंड वहाँ पे देर आर लॉट ऑफ पीपल, सो वी श्योर होप सो दैट सम पीपल विल लर्न फ्रॉम आवर स्ट्रीट प्ले। हमारा इन्वायरमेंट जनाब आज सच में इस हालात में पहुंच गया है कि आप खुद सांस नहीं ले पाएंगे। आप दिल्ली की हालत देखिए, हरियाणा के कई राज्यों की हालत देखिए, जहाँ पर आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो खतरे के निशान को भी पार कर चुका है। दिल्ली एक गैस चैम्बर बन चुकी है, जहाँ पर बच्चों को स्कूल जाने से रोका गया है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कुछ समय के लिए रोक दिया गया है, सरकार ने ऑड इवन चलाया है ताकि कुछ समाधान हो सके, लेकिन आज नौजवान इस चीज़ को लेकर किस तरीके से अवेयर हो रहे हैं? हम अवेयर इसलिए हो रहे हैं कि हमें पता है कि हम वो सिचुएशन नहीं चाहते कि फ्यूचर में आके हमें ऑक्सीजन मास्क डालने पड़े। जैसे हमने अपने प्ले में भी दिखाया है कि पानी कैसे कम हो रहा है, पहले हमारी पिछली जनरेशन्स ने उसे नहरों में देखा है और आने वाली जनरेशन सिर्फ एक ड्रॉप भी नहीं देख पाएगी। हम एयर के लिए भी ऐसा ही चाहते हैं कि हम जैसे अभी सांस ले रहे हैं, अभी प्योर एयर में है, आने वाली जनरेशन को मास्क ना पहनना पड़े, उनको भी ऐसा ही प्योर इन्वायरमेंट ही मिले। और हमने तो देखा ही है क्रैकर्स, दिवाली पर कितनी बात की जाती है, गो ग्रीन दिवाली हर बार, फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रैकर्स बर्न करते हैं। आई थिंक वो बंद कर देने चाहिए। और हाँ, पिछले सालों में काफ़ी लोग अवेयर हुए हैं, काफ़ी उसमें हमने देखा है कि लोगों को समझ लगी है और इंडिविजुअल लेवल पर
लोगों ने कम कर दी हैं क्रैकर्स बर्न करने। आई होप इस प्लेस से लोग समझेंगे कि एक एज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होगी इंडिविजुअल लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से। मैं हॉस्टल में रहती हूँ, हॉस्टल में बहुत बार होता है कि लड़की अब टैप्स वगैरह खुली छोड़ देती है, बहुत जगह ऐसे मतलब सब ऐसे हो रहे मैसी होता है बहुत, तो मैं खुद वो इनिशिएटिव लेती हूँ कि बंद कराऊँ जाके कम से कम वेस्ट हो पानी। झगड़े नहीं हो जाते? नहीं। अगर आप किसी को टोके जाके कि यार तुम ऐसा क्यों बार बार कर रही हो, लोग सुन लेते हैं कि सही चीज़ बोल रही हूँ, गलत थोड़ी बोल रही हूँ। कभी कभी ब्रश करते हुए हम पानी खुला छोड़ देते हैं लाइक, तो वो जब से इस प्ले में ज़्यादा अवेयरनेस हुई है तो मैं खुद भी टैप बंद कर देती हूँ, तो सुन ही लेते हैं क्योंकि पता है कि गलत तो नहीं टोक रहे ना, मतलब किसी गलत के लिए लड़ाई करने जाओ तो दैट्स एन इशू। आप ये कहो कि आप पानी बंद कर दो तो पीपल लिसन। आपको क्या लगता है कि अगर आज ना रुके, आज हम जिस तरीके से इस एनवायरनमेंट को तबाह करते जा रहे हैं, तो आने वाला समय कैसा होने वाला है? अब हमारे सामने अभी करंट ही एग्जाम्पल है, दिल्ली में इतना स्मोक बढ़ गया है, दे कांट इवन ब्रीद, है ना, स्कूल्स की हॉलीडे हो रखी है वहाँ पे, मेरे रिलेटिव्स रहते हैं वहाँ पे, तो दे आर सफरिंग दैट। तो आगे जाके ये दिल्ली में अभी सब में हो जाएगा, सारी कंट्रीज़ में हो जाएगा, हमारी चंडीगढ़ इतनी सुंदर है यहाँ तक भी आ सकता है ये। सोल्यूशन गवर्नमेंट के पास है कि इतनी पॉलिसीज़ हैं कि लाइक जैसे रेजिडेंशियल एरिया में आपको बिल्कुल भी इंडस्ट्रीज नहीं सेटअप करनी चाहिए, प्रॉपर पॉलिसीज डेवलप है तो आपको उन्हीं को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली होता है इंडस्ट्रीज वो फॉलो नहीं करती। एंड लाइक रेजिडेंशियल एरियाज में कोई चीज़ लाइक हस्बेंड्री वगैरह बहुत ऐसे इंडस्ट्री सेटअप करके रहते हैं, इससे पोल्यूशन बहुत बढ़ता है। एंड एक्चुअली जो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं पोल्यूशन के लिए, वेस्टेज के लिए, वो फॉलो नहीं करती स्ट्रिक्टली। एंड गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि लाइक सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हो एक्चुअली, वायलेट ना करे वो सारे रूल्स, तो लाइक इन छोटे छोटे स्टेप से थोड़ी थोड़ी स्ट्रिक्टनेस से वो चीज़ें ठीक रहेंगी। एक तरफ गवर्नमेंट है जो कहीं ना कहीं थोड़ी स्ट्रिक्टनेस को बढ़ाए, और दूसरी तरफ एक यंगस्टर्स हैं जो अगर किसी अनजाने को भी टोके बिना इस डर के कि बाद में झगड़ा हो सकता है तो शायद बहुत कुछ फ़र्क हो सकता है। हाँ जी, झगड़े का डर तो रहता है थोड़ा सा, लाइक शुरू में हेजिटेट करते हैं कि बोलें ना बोलें, पर बोल देना चाहिए मेरे हिसाब से कि लाइक इतना क्या ही हो जाएगा, सही चीज़ बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हम लोग, वरना नुकसान तो सबका होगा। हाँ, सबका नुकसान होगा, हमारा कुछ नहीं जाने वाला, लाइक हम फॉर सोसाइटी के लिए बोल रहे हैं, सबके लिए बोल रहे हैं, अकेले के लिए नहीं बोल रहे कि हम कुछ सेल्फिश मोटिव हमारा उसके अंदर। जैसा कि आपने सुना कि बोलना ज़रूरी है और बोलने की कोशिश भी कीजिए, शुक्रिया आपका। तो जनाब सोचिए कि अगर आप आज ना रुके, अगर हम इस ये जो तबाही हम मचा रहे हैं, अगर इसको लेकर हमने बात करनी शुरू नहीं की, हमने हालात नहीं सुधारे, तो शायद बहुत देर हो जाएगी। जो एनवायरनमेंट जो बहुत खूबसूरत है, अगर आप धरती को देखें तो नीली और हरी धरती जो नज़र आती है ऊपर से, कभी आप फ़ोटोज़ देखें जो आपके सामने आती हैं, तो ये गोला जो है बहुत खूबसूरत दिखता है, लेकिन धीरे धीरे ये गोला तब्दील होता जा रहा है उस चीज़ में जो चीज़ आपके रहने लायक नहीं होगी। तो आज से ही शुरुआत कीजिए, आप पेड़ लगाइए, इन बच्चों की, इन यंगस्टर्स की बात सुनिए कि छोटी छोटी चीज़ें जो आप करते हैं जो गलत हैं उनको सही कीजिए तो हालात सुधर सकते हैं। कहते हैं कि थिएटर से आप किसी को कोई चीज़ समझाएं तो ज़्यादा आसान हो जाता है उसको वो बात समझना, और हमारे पास कुछ ऐसे ही कलाकार हैं जो थिएटर के ज़रिए, एक नुक्कड़ नाटक के ज़रिए लोगों तक अपनी बात पहुँचाने वाले हैं एनवायरनमेंट को लेकर, जो कि आज का सबसे गरम मुद्दा कहा जा सकता है। भले ही किसी का ध्यान उस पर जाए या ना जाए, लेकिन इन नौजवानों का उस पर ध्यान ज़रूर है। जिस तरीके से तमाम चीज़ें चल रही हैं, तमाम एनवायरनमेंट को चीज़ें नुकसान कर रही हैं, उसको लेकर इनसे बात करते हैं। आपका नाम? जयंती। जयंती, आज किस चीज़ को लेकर आपका नाटक है और क्या टॉपिक रखा है? एग्जैक्टली, सो द नेम ऑफ आवर प्ले इज सुखी जीवन के सहा, and we have captured the upcoming topic of the side effects of burning parali and in whole the agricultural pollution. So primarily in the states of Punjab and Haryana, farmers just for the sake of their monetary profits, they indulge in various activities which are anti-environment, be it excessive use of pesticides or burning the parali, which is these days. The result can be seen not just in Delhi but throughout the states of Punjab and Haryana. So through by the medium of our play, we've tried to capture these effects, the effects of these practices. तो इसकी अगर शुरुआत, जैसे अगर हमारी फैमिली में कोई फार्मिंग करता है, उनको समझाने से नहीं की जा सकती? हम ऐसे कर सकते हैं कि जो भी हमारी फार्मिंग फैमिलीज हैं, हम उन्हें कह सकते हैं कि हम ये पराली ना जलाएं। इसके अलावा उनको हम ये कह सकते हैं कि इसके अलावा हम पराली के अलावा कहाँ पर क्या कर सकते हैं जिससे ये पॉल्यूशन ना हो, तो ये सब हम कर सकते हैं। हमें जो हमारे हाथ में है वो तो करना ही पड़ेगा, दैट्स द ओनली थिंग दैट वी कैन डू एंड वी शुड फोकस ऑन इट। ज़रूरी नहीं है कि वी कैन यू नो डेवलप एनीथिंग एंड इम्प्रूव एनीथिंग, लेकिन अपना पार्ट परफॉर्म करेंगे तभी बाकी सब कर पाएंगे। क्या नाम है? विष्णु।
विष्णु, क्या लगता है कि एनवायरमेंट डे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग कोई वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आता है, नेशनल एनवायरमेंट डे आता है, लेकिन इनिशिएटिव क्या ले पाते हैं? इनिशिएटिव आई फील लाइक सोसाइटी को लाइक अपने आप से लेना चाहिए. लाइक मोस्ट पीपल लाइक सोचते हैं लाइक गवर्नमेंट कुछ करेगा, लेकिन मेरे को लगता है लाइक सोसाइटी एज अ होल हमें कलेक्टिव एक्शन लेना चाहिए. कलेक्टिव एक्शन लेना चाहिए, इनिशिएटिव. आई थिंक आई वुड अग्री विद हिम बिकॉज हमारा भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितना गवर्नमेंट का है. सो आई थिंक वी आर द फर्स्ट वंस जिनको स्टार्ट करना चाहिए. एंड बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं लाइक वेस्ट कम प्रोड्यूस करो, एक्स्ट्रा चीज़ें ना खरीदो, एंड दैट्स हाउ वी आर सपोज्ड टू स्टार्ट विद इट. आपसे जानता हूँ क्या इनिशिएटिव लेते हैं अपने तरीके से कि कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है. प्रॉबेबली पटाखे नहीं फोड़े थे इस बार ही, मतलब एंड आई डिस्करेज मतलब मैनी ऑफ द यंगस्टर्स इन माई सोसाइटी टू मतलब ना करो यार क्या फ़ायदा ये, तो मतलब प्रॉबेबली मैंने उनको बोला वीडियो गेम्स खरीद लो बेटर रहेगा. हाँ तो मतलब दैट इज समथिंग दैट आई डिड. एनवायरमेंट बचाने के लिए आंखें खराब करवा रहे हैं. मान लीजिए कि आप लोग गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आपके सामने वाली गाड़ी से एक शीशा डाउन होता है और वो कचरे का एक पॉलीथीन बाहर फेंकता है, जो आपने खासकर एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा, तो आप में से कितने लोग इस चीज़ पर अग्री करते हैं कि अपनी गाड़ी को उसके पास ले जाकर उन्हें बोलेंगे कि भाई ये कचरा आपका है, आप अपनी गाड़ी में रखिए? कौन कौन? मतलब नहीं, ये इनिशिएटिव नहीं लेता, बट अपनी तरफ से फेंकता नहीं, मतलब तब आए फेंकेंगे नहीं लेकिन उसे रोकेंगे. हाँ, लाइक मैंने एक बार ट्राई करा था कि उसको हॉन्क करूँ काफ़ी, मतलब गाली निकाल लूँ दो चार, एक बार मैंने ट्राई करा बट नथिंग, उसने तो इग्नोर करा. मोस्टली मेरे हिसाब से लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं उन्होंने भी नीचे फेंका है कचरा. प्लस द थिंग इज सामने से तुम्हें पता है कि क्या रिस्पांस मिलेगा, तुम्हें लगेगा तो क्या हो गया, तीन और रैपर भी तो पड़े हैं, फिर तो जाके उठा ले सारे के सारे. तो इस रिस्पांस के डर से मतलब मोस्टली लोग नहीं बोलते हैं, और मैंने भी नहीं बोला है मतलब, बट बोलना चाहिए. हुआ है मेरे सामने, हुआ है, लोग कचरा फेंक देते ज़मीन पे, एक दो बार बोला भी है, बट फिर सामने से यही रिस्पांस आता है कि देख चार और कप्स पड़े हैं तो उनको भी जाके तो उठा दे जाके. तो इस रिस्पांस के लिए अब सफाई तो कौन खुद करना चाहता है, अपना कचरा तो सब फेंक देंगे, मतलब मैं अपना कचरा डस्टबिन में फेंक दूंगा, बट किसी और ने दूसरी की चीज़ फेंकी है तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा, मुझे बहुत अलग होना पड़ेगा कि मैं वो जाके उठाऊँ. हम अपनी गंदगी तो साफ़ कर लेते हैं, अगर किसी और ने गंदगी फैलाई है तो हम इनिशिएटिव नहीं लेते. तो हमें क्या दूसरे की गंदगी साफ करनी चाहिए? मुझे नहीं लगता, हमें बस एक बार ही उसे बोल देना चाहिए कि ना करो ऐसा बस. और कभी आपने ये कोशिश की, कभी बोला? नहीं, कभी नहीं की, लेकिन खुद भी नहीं फेंका ऐसे. खुद भी नहीं फेंका. दो तीन चीज़ें हैं जो इन यंगस्टर्स ने मुझे समझाई, कि एक तरफ दिल में ये हिचक होती है कि यार आपने भी तो कभी ना कभी फेंका है, तो आप किसी और को कैसे रोक सकते हो वही काम करने के लिए. दूसरा, आप डरते हैं कि कहीं ना कहीं आप उसे अगर रोकेंगे तो झगड़ा हो सकता है, वो आपके साथ अब्यूज़ कर सकता है, गलत तरीके से बात कर सकता है. तीसरा, कि क्या आप सच में अपना गंद तो आप उठा सकते हैं, अपना कचरा तो आप साफ़ कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के कचरे की जिम्मेदारी आप लेना चाहेंगे? क्योंकि सामने से जिस तरीके के रिस्पांस आते हैं कि भैया तीन कप्स और पड़े हैं तो खुद जाके उठा ले, तब आप क्या करेंगे, तब आप क्या बोलेंगे? तो ज़रूरी है कि लोग खुद इनिशिएटिव लें, हर एक इंसान अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए, तो शायद किसी और को दूसरे को बोलने की ज़रूरत ना पड़े, और उसको ये ना सोचना पड़े कि भाई अगर मैं उसे जाकर बोलूँगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा. खुद समाज खुद सुधर जाएगा, चाहे वो कचरे की बात हो, चाहे वो एनवायरनमेंट की बात हो, चाहे वो वातावरण की बात हो. अगर आज दिल्ली जिस हालात में है उसके लिए ज़िम्मेदार कोई और नहीं है, वहाँ के लोग ही हैं जो शायद सुधर नहीं पाते हैं. गाड़ी खरीदने का सपना है? हाँ बिल्कुल. लग्जीरियस? प्रॉबेबली, अगर अफोर्ड कर पाया तो ज़रूर. आई थिंक सपने वेरी करते हैं, लाइक किसी के लिए गाड़ी होती है, किसी के लिए घर होता है, तो लाइक इट डिपेंड्स. तो एज सच मेरा ऐसे कोई गोल नहीं है कि मुझे ये लग्जरी चाहिए. एंड जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन, ये सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तरीके से हमारी नीड्स भी बढ़ रही हैं. ये कोई ऐसा नहीं है कि आप आने वाले फ्यूचर में क्या चाहते हैं, ये सिर्फ इतना है कि आपकी नीड्स वो ज़रूर हो जाएंगे क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है, उसे रहने के लिए जगह चाहिए, रहने की जगह के लिए आपको खेत हटाने होंगे, आपको जंगल हटाने होंगे. दूसरा, आपको आने जाने के लिए साधन चाहिए. आप सोसाइटी को देखते हैं, आप अपनी लाइफ को भी सोसाइटी से इम्प्रूव करते हैं, कंपेयर करते हैं, और आपको गाड़ियाँ भी चाहिए. गाड़ियाँ आप जहाँ पर आप स्कूटर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं वहीं पर आप गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं. तो एक जो हम लाइफ जी रहे हैं उसको भी थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और अगर हम इम्प्रूव करें तो शायद बहुत से बदलाव आएंगे. एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कुछ और लोगों से मुलाकात करेंगे और जानेंगे उन एक्सपर्ट्स की राय. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है.
तो जनाब जब मसला इन्वायरमेंट का हो तो हमारे पास एक ऐसे शख्स भी हैं जिनसे बात करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इन्वायरमेंट को लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं और अपने लेवल पर जितना हो सके काम भी करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर विनोद कुमार हैं जो कि सोशोलॉजी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं। सर आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर। आज के जो हालात हैं, आज जो दिल्ली हरियाणा पंजाब इन तीनों में जो राजनीति चल रही है इन्वायरमेंट को लेकर, उसे किस नज़रिए से देख? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी इन्वायरमेंटल पॉलिसी क्या है। आज के दिन हमारे पास कोई भी कम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल पॉलिसी नहीं है जिसको लेके हम एक ऐसा प्लान पब्लिक के सामने लेके आ पाएँ कि ये हमारे पास तरीके हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इश्यूज़ हैं और इसको ऐसे डील करेंगे। हर जगह पे हवा में तीर चलाए जा रहे हैं और किसी भी गवर्नमेंट के पास या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसको लेके हम सोच सकें कि इसके ऊपर काम करने से कुछ होगा। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम हो जाती है उसका थोड़ा बहुत कर देते हैं सॉल्यूशन और उसके बाद में फिर भूल जाते हैं। इन्वायरमेंट एक मसला है जिसको आप अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा, एक कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी बनानी पड़ेगी और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को आपस में मिल के काम करना पड़ेगा। जैसे किसानों को पराली के लिए हम जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, पराली का हिस्सा मैक्सिमम एक महीने के लिए 30% का पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन है, लेकिन बाकी 70% कौन करता है इस टाइम पे, और बाकी 100% पॉल्यूशन थ्रू आउट द ईयर कौन करता है। हमारी पॉलिसी है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को कम करने की, कहीं पे भी हमें ये नज़र नहीं आता है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक अच्छे तरीके से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, लोगों को इनक्रेज कर रहे हैं कि वो कारें खरीदें, बड़ी बड़ी SUVs खरीदें और डीजल पेट्रोल का धुआं 2400 घंटे सारे दिन सब देश में हर जगह पे फैलाएं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारी वे ऑफ लाइफ क्या होगी। अगर वे ऑफ लाइफ आपकी पोल्यूटिंग है तो हम पोल्यूशन फैलाते रहेंगे, किसानों को या किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को बैन करने से या उनके खिलाफ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी क्या है सर कि कुछ नौजवानों से मैंने मुलाकात की जो थिएटर के जरिए, नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लेकिन उनका मकसद जान के बहुत खुशी हुई। वो कह रहे हैं कि लोगों में कितनी समझदारी आएगी नहीं जानते, लेकिन हम में कितनी समझदारी आएगी ये हमें आज पता चल रहा है। जो जो गलतियाँ हम कर रहे हैं वो ज़रूर हम सुधार पाएंगे। तो लगता है कि इसी तरीके से ही, क्योंकि सरकार ऐसा नज़र आती है कि एक तरफ जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो कह रही है पराली जल रहा है, दूसरी तरफ यहाँ से कि कोई पॉलिसी नहीं बन पा रही है पंजाब की तरफ से जब बात होती है, तो लोगों को खुद इनिशिएटिव लेना होगा सरकार की आस छोड़कर। देखिए पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, पंजाब में पराली जल ही क्यों रही है, उससे पहले ये कि पंजाब धान को उगा ही क्यों रहा है। अगर वाटर डिफिसिट स्टेट की कैटेगरी में पंजाब आता है जहाँ रेड जोन में हम जा चुके हैं, पानी हमारे पास नहीं है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो चुका है, उसके बावजूद हम पराली उगा क्यों रहे हैं? पराली उगाने का ये सही जगह नहीं है, या धान और गेहूं उगाने के लिए सही जगह नहीं है, या मोटा अनाज उगाने के लिए बेस्ट जगह है जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और हम वाटर टेबल का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे पास धान और जो राइस का इतना बड़ा स्टॉक है जितना हमें चाहिए उससे लगभग 3 गुना है, उसके बावजूद हम उगाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि पहले स्टेप तो किसानों के लिए क्या पॉलिसी बन रही है उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद उगाने के बाद में वो कौन सी मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं। जब वो कंबाइन हार्वेस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तब उनको नीचे फाना बसता है, पराली बसती है, उसको वो आग लगाते हैं। अगर हाथ से कटाई करते हैं तब वो नहीं होती है प्रॉब्लम, जैसे पहले मजदूर आते थे UP और बिहार से, उनकी मदद से वो काटते थे, लेकिन अभी हमने ओवर मैकेनाइजेशन के थ्रू इस सारे प्रोसेस को हैंग कर दिया है और अभी हम मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर जब एक मशीन का इस्तेमाल कर लिया तो फिर दूसरी बड़ी मशीन चाहिए, क्योंकि कंबाइन हार्वेस्टर कई लाखों रुपए की आती है, और फिर पराली को जलाने के लिए एक और मशीन चाहिए जिसको हम हैप्पी सीडर या और कई नामों से जानते हैं, तो वो मशीन भी कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए की है जो किसान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो या तो एक पूरा कंप्रीहेंसिव प्लान हो जहाँ पे हम प्रॉब्लम की जड़ को टैकल करें, या दूसरा हमारे पास तरीका है कि अगर बीच में प्रॉब्लम को ठीक करना है कि पराली के फानों को मिट्टी में मिलाना है, तो हैप्पी सीडर और जो रोटावेटर मशीन है वो किसानों को अवेलेबल करवानी चाहिए, जो सरकार का एक सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू है। इसके साथ में मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि किसान आखिर इतना कमज़ोर क्यों है कि वो अपने तरीके से उसको नष्ट भी नहीं कर पा रहा है, उसको लग रहा है कि 500 रुपया या 1000 रुपया पर एकड़ देना और ज़्यादा उसके लिए मुश्किल है। उसके लिए स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट का लागू नहीं होना है, क्योंकि किसान की इनकम, अगर एवरेज किसान की इनकम हम देखेंगे तो 5000 रुपया पर महीने से कम है, जिसमें वो 5 से 7 फैमिली मेम्बर और पशुओं को पालता है।
तो आप इतनी कम इनकम के आदमी से क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पानी भी बचाए, वो आग भी ना लगाए, वो ये भी ना करे, वो भी ना करे, सारा ही आप रूल रेगुलेशन एक उस आदमी पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं जिसके पास मिनिमम इनकम है। अगर आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देते हैं, उनकी इनकम बढ़ जाती है, तब आप उनसे एक्सपेक्ट करें कि ये मशीनें खरीदें, ये वो काम करें इन रूल रेगुलेशन। अगर उनकी इनकम बढ़ती है तो कहीं ना कहीं समाधान हो सकता है। अगर मैं शॉर्ट में सर आपसे जानना चाहूँ कि एनवायरनमेंट को अगर एक चीज़ माने तो समाधान के लिए किसको क्या कंट्रीब्यूशन देना होगा कि हालात सुधर पाएँ, या आने वाले कुछ सालों में हालात इससे तो कम से कम कई गुना सुधर पाएँ? देखिए 1950 के आसपास में बहुत सारे डेवलप्ड देश जिनको आज हम बोलते हैं वहाँ पर भी यही हालात था, जिसको स्मोक डेज के नाम से वो जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत ही गंभीरता से इस समस्या को सुलझाया। सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने पॉलिसी बनाई, उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इतना तगड़ा कर दिया कि हर कोई जो अमीर आदमी है गाड़ी रख भी सकता है, वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है। फिर साइकिल यूज़ करने वाले लोगों के लिए उन्होंने मैक्सिमम काम किया। फिर जो भी वो निर्माण करते हैं उससे पहले वो असेसमेंट करते हैं कि यहाँ पे कितने पेड़ लगाने से हम इस सारे धूल धुएँ और सारी चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। उसके बाद वो रोड से लेके कंस्ट्रक्शन से लेके हर चीज़ इस तरीके से बनाते हैं जिससे कम से कम पोल्यूशन हो। फिर जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनका एक प्रॉपर कंप्रीहेंसिव प्लानिंग होती है कि हमें चाहिए क्या, हमारी न्यूट्रिशन की ज़रूरतें कितनी हैं, हमें कितना एक्सपोर्ट करना है, उन सब के हिसाब से पॉलिसी बनती है। और जैसे इंडिया में मिनिमम स्पॉट प्राइस केवल गेहूं और राइस का है, तो गेहूं और राइस को ही किसान उगा रहे हैं। आप मिनिमम स्पॉट प्राइस बाकी चीज़ों का दे देंगे तो उनको भी उगाना चालू कर देंगे। तो मसला है सारा पॉलिसी का। अगर हमारी पॉलिसी कंप्रीहेंसिव है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए तो इन्वायरमेंट बचेगा, अदरवाइज नहीं बचेगा। ब्लेम गेम और पॉलिटिक्स से काम नहीं चलने वाला है। शुक्रिया सर। एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि पॉलिसीज़ वो हों जिसे लोग अप्लाई कर सकें, जिसके साथ लोग चल सकें, क्योंकि राजनीति खेलना राजनेताओं के लिए बहुत आसान है, लेकिन झेलना आम जनता को ही पड़ता है जिसे उस एनवायरनमेंट में सांस लेनी है। दिल्ली के आप हालात देख सकते हैं, आप हरियाणा के हिसार के हालात देख सकते हैं जो बद से बदतर होते जा रहे हैं। गैस चेंबर दिल्ली बन चुकी है, वहाँ पर अभी आप चाहे ऑड इवन लागू कर रहे हैं, चाहे आप लोगों को घर से बाहर कम निकलने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी इस तरीके से है मानो कि वो हर दिन ना चाहते हुए भी कई सिगरेट जो हैं वो फूंक रहे हैं। तो सोचिए कि हमारी कहाँ गलती रह गई, और सोचिए कि सरकार की जो नींद है वो किस तरीके से खोली जाए। तो जनाब फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मसले को लेकर आवाम की राय जानेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी गौतम ठाकुर और कैमरामैन संदीप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।